अगले 48 घंटे मुंबई पर भारी रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मुंबई के लिए आज का दिन बेहद भारी है। जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही दोपहर करीब 1:30 बजे समंदर में इस महीने की सबसे बड़ी हाईटाइड आने की बात भी कही गई है। मंगलवार को भी मुंबई में मूसलाधार बारिश हुई थी। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। बारिश की वजह से लोकल ट्रेन और बस सेवा भी प्रभावित रही है। ट्रेनें लेट से चल रही हैं। मौसम विभाग ने 48 घंटे मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी दी है और इसी चेतावनी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की चेतावनी जारी की है। गेटवे ऑफ इंडिया, सायन, जुहू और माहिम की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर जगह हालात तकरीबन एक से बने हुए हैं। मुंबई में आफत की बारिश ने लोगों का जीना मुहाल करके रखा हुआ है। जगह जगह हो रही बारिश की वजह से कहीं जलभराव की समस्या से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है तो कहीं पूरी की पूरी सड़कों पर इस वक्त लबालब पानी भरा हुआ है और उसमें से जो लोग गुजर रहे हैं उनकी गाड़ियां या तो रेंग रेंग कर चल रही हैं और पैदल चलने वालों के लिए तो ये बारिश और ज्यादा मुसीबत बनकर सामने आई है। मुंबई में अभी हालात कैसे हैं और हाईटाइड को लेकर मुंबई में किस तरह की तैयारी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा। मुंबई में अगले 48 घंटों में भारी तेज बरसात हो सकती है और तेज बरसात के लिए बताया चेतावनी जारी कर दी गई है। इस वक्त मैं गेट ऑफ इंडिया में मौजूद हूँ, जहाँ ठीक सामने देख सकते हैं ताज होटल, जो मुंबई का मशहूर ताज होटल एक लैंडमार्क कहा जाता है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, देख सकते हैं ताज होटल के ठीक सामने है समुद्र, जो गेट ऑफ इंडिया होता है। गेट ऑफ इंडिया के ठीक बगल में यहाँ पे समुद्र पूरा तट है और यह समुद्र तट के देखने के लिए भारी संख्या में लोग गेट ऑफ इंडिया पे और ताज होटल देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर सैलानी आते हैं और मुंबई कर भी आते हैं। लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी पुलिस के सिवा या एक दो लोग के सिवा कोई भी यहाँ नहीं दिख रहा है। कारण साफ है कि सभी को पुलिस ने और बीएमसी ने रोक दिया है कि किसी भी सूरत में समुद्र किनारों पर ना जाए, क्योंकि कारण साफ है कि आज समुद्र में हाई टाइड आने वाला है और हाई टाइड का वक्त जो दिया गया है 1:27 पे और जिसकी ऊंचाई बताई गई है 4.95 मीटर, यानी जुलाई की सबसे ऊंची हाई टाइड आज देखने को मिलेगी। और यह समुद्र जो देख सकते हैं अरब महासागर है जिसमें तमाम लहरें उठ रही देख सकते हैं आप, और इन्हीं लहरों से बचने के लिए मुंबई में तमाम जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बीएमसी द्वारा तमाम ऐसे गाइडलाइन जारी किए गए हैं, मौसम विभाग द्वारा तमाम एडवाइस जारी किए गए हैं ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि आपको बता दो, जो भी समुद्र का पानी होता है उस दौरान जितने भी मुंबई के जो गेट होते हैं, जो मुंबई के शहर के पानी समुद्र में छोड़ा जाता है, वो सभी गेट बंद कर दिए जाते हैं ताकि समुद्र का पानी अंदर ना घुस सके। वह हाई टाइड का वक्त होता है और अब हाई टाइड का वक्त शुरू हो चुका है, जिसकी सबसे अधिकतम ऊंचाई जो आएगी 1:27 पे वह होगी 4.95 मीटर, और इसी को बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। यही वो अरब महासागर है जहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। ठीक इसके सामने आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम ऐसी बोट खड़ी होती है जो कि अलीबाग या फिर एल्फिंटा के लिए जाया करती है, लेकिन आज सभी के सभी बोट यहाँ नदारद है। कारण साफ है कि मछुआरों को और सभी जितने भी समुद्र के आसपास जितने भी लोग काम किया करते हैं सभी को स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है किसी भी सूरत में वह समुद्र के किनारों के आसपास ना जाए। कारण साफ है कि बरसात काफी तेज हो रही है और इसीलिए कहीं कोई अनहोनी ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। और अगले 24 घंटों में मुंबई में तेज बरसात, अगले 48 घंटों में मुंबई में तेज बरसात होने की पूरी संभावना है। और जैसा कि देख रहे हैं ठीक पीछे बरसात काफी तेज हो रही है, समुद्र अरब महासागर है और इसमें समुद्र इस वक्त अपने उफान पर है। और पूरे मुंबई की बात करूं आपको, मुंबई में इस वक्त तमाम अगर सड़कों की बात करें, सड़कों दिखाना चाहूंगा आपको, सड़कें जो है यहाँ पर तमाम सूनी है, तमाम ऐसी सड़कें हैं। कुछ सड़कों पर ट्रैफिक जरूर है लेकिन कुछ सड़कों पर तमाम यहाँ पे सूना दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग घर से बाहर अधिक संख्या में नहीं निकल रहे हैं। कारण साफ है, सबको पता है कि अगर शायद जाएंगे कहीं फंस सकते हैं, इसलिए अधिक संख्या में लोग नहीं निकल रहे हैं। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो ट्रेन भी करीब 15 से 20 मिनट देरी से चल रही है। मुंबई में अब तक कहीं अधिक वाटर लॉगिंग की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तमाम ऐसी जो जगह है उन तमाम जगहों पर जरूर एहतियातन तमाम सुरक्षा के इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं। बीएमसी के तमाम पंप लगाए गए हैं ताकि कहीं पर भी अगर पानी जमा होता है तो तत्काल निकाला सके। लेकिन बीएमसी भी ये मना रही है कि जिस वक्त हाई टाइड हो उस वक्त अधिक बरसात ना हो ताकि तमाम ऐसी जो तबाही की जो मंजर देखने को मिलते हैं वह देखने को ना मिले और मुंबई के लोग अधिक संख्या में परेशान ना हो। कैमरामैन देश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।
अब से तकरीबन 52 मिनट के बाद कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ा हाईटाइड आ सकता है। एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं समंदर में उफनती लहरों की तस्वीरें। कहा यह जा रहा है कि 1:27 पर जुलाई का सबसे बड़ा हाईटाइड आ सकता है और इसी वजह से समंदर किनारे लोगों को जाने के लिए पहले से ही मना किया जा चुका है। मछुआरों को भी इसके लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी और यहां पर उफनती हुई समंदर की लहरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्थिति वहां पर खराब हो सकती है, इसी वजह से एहतियातन तमाम कदम भी उठाए गए हैं, चाहे बीएमसी की ओर से चाहे चेतावनी के रूप में मौसम विभाग की ओर से जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई है। दोपहर करीब 1:27 पर हाईटाइड की भारी हाईटाइड की चेतावनी जारी की गई थी। समंदर में 4.94 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इसी वजह से एहतियातन कदम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं, यानी कि अगले 48 घंटे और अगले 1 घंटे वाली स्थिति तो और ज्यादा खराब है और इसी वजह से वहां पर समुद्र के किनारे इस वक्त सन्नाटा देखा जा रहा है। लोगों की मौजूदगी हर रोज हम देखते हैं कि किस तरह से लोग वहां पर पहुंचते हैं घूमने के लिए, लेकिन इस वक्त चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, या तो बारिश हो रही है या तो ये लंबी लंबी जो लहरें हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। अगले 48 घंटे मुंबई वालों के लिए इस लिहाज से भारी रहने वाले हैं क्योंकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, तो वहीं अगले 1 घंटे के अंदर हाई टाइड की चेतावनी जो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई थी। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो मैप के जरिए बताएंगी मुंबई के कुछ इलाकों का हाल। मीनाक्षी बिल्कुल चित्र, आपको बता दें इस वक्त मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश मुंबई वासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। मैप के जरिए आपको बताना चाहेंगे कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर हाई टाइड की वजह से पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कोलाबा की, तटीय इलाका कहा जाता है, सीधे इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ ये इलाका है और यहां पर भारी बारिश की चेतावनी तो जारी ही की गई है, लेकिन साथ ही हाई टाइड की वजह से इस पूरे इलाके में पानी भरने का भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे आपको बताना चाहेंगे ये इलाका दादर का इलाका भी इस जगह पर भी हाई टाइड की वजह से बारिश का पानी भरने की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर कर दी है। माहिम इलाका अगला इलाका आपको बताना चाहेंगे। माहिम जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं बांद्रा का इलाका है, सांता क्रूज वेस्ट में भी चेतावनी जारी की गई है। जुहू बीच ये वो इलाका कहा जाता है जहां पर एक बड़ी संख्या में पर्यटकों का जमवाड़ा लगता है, लोग यहां पर आते हैं छुट्टी का दिन बिताते हैं, लेकिन यहां पर भी आज जिस तरीके से चेतावनी जारी की गई है लोगों का यहां पर भी आवाजाही तकरीबन बंद नजर आ रही है। जुहू बीच में भी कुछ यही हालत देखी जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ और बढ़ते जाएंगे आपको बता दें कि ये तमाम वो इलाके हैं, मलाड की बात की जाए, मलाड के अलावा कांदीवली की बात की जाए, बोरीवली की बात की जाए, इन इलाकों में सीधे तौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए ये कह दिया है कि अगर जरूरत पड़े तभी आप घर से बाहर निकले, वरना बाहर नहीं निकले। बिल्कुल, बाहर निकलने से परहेज करें, ये चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का ही, अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस वक्त मुंबई में मौसम का मिजाज कैसा देखा जा रहा है और 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब भारी हाईटाइड की चेतावनी जारी कर दी गई थी, क्या समुद्र तट के सभी इलाके इस वक्त पूरी तरह से सुनसान पड़े हुए हैं? समुद्र के किनारे लोगों के जाने पर मनाही पहले ही की जा चुकी थी, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल चित्रा, देखिए पहले से यहाँ पर वाला मना कर दिया गया था किसी भी सूरत में कोई भी समुद्र किनारे आसपास ना जाए और बकायदा पुलिस के बल तमाम तैनात कर दिए गए हैं। बीएमसी ने तमाम वार्निंग के बोर्ड लगाए हुए हैं, किसी भी सूरत में वहां ना जाया जाए और किसी को जाने नहीं भी दिया जा रहा है। जैसा कि मैं खुद गेट ऑफ इंडिया पे गया था, वहां बकायदा पुलिस भारी पैमाने पर खड़ी थी, किसी भी सूरत में किसी को भी जाने से रोक रही थी। और सही कहा आपने, कुछ देर ही बचे हुए हैं हाईटाइड के, जो हाईटाइड का जो पूरा उफान होगा 4.95 मीटर जो जाएगी, सबसे बड़ी हाईटाइड है आज, वह कुछ देर ही बची हुई है हाईटाइड आने में, तो जरूर मुंबई वासियों के लिए काफी दिक्कत भरी वक्त कह सकते हैं। लेकिन राहत की बात देख सकते हैं हमारे पीछे, ठीक इस वक्त हम कोलाबा एरिया में खड़ा हूं मैं, लेकिन इस वक्त मुंबई में बरसात यहां पर कम से कम रुकी हुई है। हालांकि सबर्बन एरिया जो उपनगर इलाका है वहां पर बरसात कुछ ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन शहरी इलाका में बरसात कुछ कम हुई है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं आपको, तो कल 24 घंटों में कोलाबा एरिया, जो कोलाबा यानी कोलाबा से लेकर बांद्रा तक जो बरसात होती थी, कोलाबा एरिया कहा जाता है, उसमें करीबन 213 मिलीमीटर बरसात हुई है और साथ ही सबर्बन एरिया में जो बरसात हुई है वो करीबन 215 मिलीमीटर बरसात 24 घंटे पिछले हुई। लेकिन आज सुबह 8 बजे से लेकर 11-12 बजे के आसपास जो बरसात हुई है शहरी इलाका में,
8 एमएम बरसात हुई है और साथ ही उपनगरीय इलाका में 13 एमएम बरसात हुई है, यानी उपनगरीय इलाका में बरसात काफी तेज हो रही है। इसी वजह से उपनगरीय जो इलाका है वहाँ पे तमाम जगहों पर पानी भर गया है, जगह जगह जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ा है मुंबईकरों को। दोबारा आपका हम रुख करेंगे अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ पर समुद्र में ऊंची उठती हुई लहरों को भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, होटल ताज के ठीक सामने गेटवे ऑफ इंडिया, और वहां की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुंबई में एक और आफत की बारिश देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 1:27 पर जुलाई महीने का सबसे तेज हाई टाइड आने की चेतावनी पहले ही मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा चुका है, और इसी वजह से समुद्र के किनारे लोगों की जाने की मनाही की जा चुकी है, यानी कि लोग समुद्र के किनारे न जाएं, इस तरह की चेतावनी पहले से ही जारी कर दी गई थी। अब से कुछ देर पहले माहिम जंक्शन और उसके आसपास के इलाकों में किस तरह के हालात थे, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता सुनीता ने। मुंबईकरों को एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट की चेतावनी मिल गई है। जी हां, मुंबई में हो रहे दो दिन से लगातार बारिश की वजह से मुंबई के लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। इस वक्त आप खुद देख सकते हो, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर माहिम जंक्शन के यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से लोग परेशान हैं। यहाँ पर पानी भर चुका है, हालांकि ये हाईवे है लेकिन फिर भी हाईवे तक पर पानी भर चुका है। बरसात के लगातार होने से यहाँ पर लोगों को बहुत सी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो पानी भरने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक हो रही है, मूविंग ट्रैफिक हो रही है। ये रोड हालांकि हमेशा खाली हुआ करता था लेकिन अब ये रोड पानी से भर चुका है, और जिसके वजह से यहाँ पर ट्रैफिक हो रही है, मूविंग ट्रैफिक हो रही है भले ही, लेकिन लोगों को इसकी इसके वजह से बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी चेतावनी आई है कि अगर जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो ही आप घर से बाहर निकलेगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में लगातार बारिश होने की आशंका है और हाई टाइड होने की आशंका है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ सुनीता गौड़, इंडिया न्यूज मुंबई। तो सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि अगले 48 घंटे पूरे महाराष्ट्र के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही इस बात की चेतावनी जारी कर दी गई थी कि लोग कम हो सके तभी अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि चारों तरफ इस वक्त मौसम की मार देखी जा रही है। यहां पर हम आपको चार तस्वीरें फिलहाल मुंबई की दिखा रहे हैं, अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अगर आप हमें आसपास की तस्वीरें दिखा सकें, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे मुंबई की सड़कों पर क्या हाल देखा जा रहा है, क्योंकि पहले ही चेतावनी इस बारे में जारी की जा चुकी थी कि लोग कम ही अपने घरों से बाहर निकले। इसके अलावा क्या स्कूलों से भी छुट्टियां कर दी गई हैं बच्चों की? बिल्कुल, देखिए बीएमसी ने महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी ने पहले से चेतावनी दे दी है कि कोई भी घर से बाहर अगर निकले सोच समझ कर निकले, देख कर निकले कि बरसात किस तरह से हो रही है। जैसा कि आज मैंने बताया कि जो आंकड़ा दिया आपको, आज सुबह 8 बजे से लेकर करीबन अब तक का जो आंकड़ा है, शहरी इलाका में करीबन 8 मिलीमीटर बरसात हुई है और उपनगरीय इलाका में 13 मिलीमीटर बरसात हुई है, यानी अधिक बरसात देखने को नहीं मिली है, बहुत ज्यादा बरसात नहीं रहा है, जिसके वजह से अब तक ऐसी कोई स्थिति निर्माण नहीं हुई जिसके वजह से स्कूली बच्चों को छुट्टी दे दी जाए। स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं, अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया जिसे जल्द से स्कूल छोड़ा जाए। हाँ, इतना जरूर है एक सेफ्टी के तौर पर कि कोई अगर गार्जियन अपने बच्चे को जल्दी लेना चाहता है तो घर से आकर जल्दी ले आ सकता है अपने बच्चों को, इतनी सहूलियत जरूर दे दी गई है। साथ ही ऑफिस से अगर कोई जल्दी जाना चाहता है तो अभी ऑफिस जल्दी जा सकता है, इतनी सहूलियत जरूर दी गई है, लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसा कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया है कि जल्द से जल्द लोग स्कूल छोड़ दिया जाए या फिर, क्योंकि कारण बरसात आज जरूर उसकी जो गति है वो धीमी है और बरसात रुक रुक कर हो रही है, तेज बरसात नहीं हो रही है। जैसा कि हाई टाइड के दौरान अगर बरसात तेज होती है तो मुंबई वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 1:27 जो हाई टाइड है करीबन 4.95 मीटर की हाई टाइड जो जुलाई महीने की सबसे अभी तो जो समुद्री लहरें हैं वो दीवार से टकरा कर वापस चली जा रही है, लेकिन यही लहरें जब उफान भरेंगी और 4.94 मीटर की रफ्तार से आगे आएंगी तो जाहिर तौर पर स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। इसी वजह से चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी थी। हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए थे। फिलहाल मुंबई की बारिश की हम बात कर रहे थे लेकिन वापस लौटेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में भी यही हाल देखा जा रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब महाराष्ट्र में सूखे की खबरें सामने आ रही थी लेकिन अब वहां पर भारी बारिश ने स्थिति को और ज्यादा भयावह कर दिया है। बताएंगे आपको आगे कि वो कौन कौन से इलाके हैं महाराष्ट्र के वो जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे।